नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22 हमराज के साथ। आज मैं मौजूद हूं कटिहार जिला के तेलता ओपी में, जहां पे एक सनसनीखेज सब खबर सामने आ रही है कि एक 22 थाना के रहने वाली जो हाथीबंदा की एक लड़की, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व शादी रचाई और फिर वो अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर अपने खाला के यहाँ आई, और उसकी खाला अनवड़ी के यहाँ आई हुई थी, और काफ़ी दिन गुजारने के बाद क्या मामला हुई फिर, जिस कारण उन्होंने फांसी ले ली अपने खाला के घर। और हम लोग को इसकी सूचना मिली और हम लोग घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी लेने की कोशिश किए, तभी ये सामने आया कि यहाँ पर घर वाले मौजूद नहीं हैं, और भी ग्रामीण यहाँ बताने से इनकार कर रहे हैं। ये इतनी सनसनीखेज खबर है और मामला क्या है, पूरा मामला यहाँ के ग्रामीण भी नहीं बता पा रहे हैं। आइए हम उनके घर तक चलते हैं, क्या स्थिति है उनका घर जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रामीण तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ग्रामीण है पर घर वाले नहीं है, घर लोग घर से फरार हैं, और दीगर अगर कोई होता तो हम उनसे जानने की कोशिश करते। लेकिन देखिए, आए दिन ऐसे क्षेत्र में ये घटना होती रहती है, और कहीं ना कहीं ऐसे इस घटना से ये हमको सबक मिलनी चाहिए कि एक लड़की जो है वो घर से फरार है कुछ दिनों से, और फिर अंत में उनकी घटना हो जाती है। ऐसा पूरा मामला क्या है, अगर घर वाले होते तो वो चमन नाम की लड़की जो घर से फरार थी, वो इस उनकी खाला की ये घर है, और इसी घर में उन्होंने फांसी ली। अभी तो घर में कोई मौजूद नहीं है। देखिए पूरा मामला और भी जानने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण यहाँ से बता नहीं पा रहे हैं, ग्रामीण जो है बताने से इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मामले की छानबीन करके लिए और भी आगे आपको ले चलते हैं और इनकी जारे जी। 2 महीना से उसको गायब रखा, हम लोग खोज में लगे हुए रहे। जब खोज में मालूम पड़ा तो लड़की को रखा लड़का खाला के यहाँ ले जाके, खाला के यहाँ जो रखा, जब तक हम लोग को मालूम पड़ा तो लड़की को मार दिया। लड़की आपकी कौन थी? लड़की हमारी बहन थी, छोटी। पहले वो घर से भाग दो महीना पहले 2 महीना से हम लोग खोज में लगे हुए रहे। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम इकबाल है जी। तो बताइए कि 2 महीना पहले लड़की जो आपकी बहन जो घर से गायब थी, क्या आप थाना में आवेदन या किसी हम लोग आवेदन नहीं दिए थे, हम लोग खोज में लगे हुए थे। जब हमको खोज में मिला तो डायरेक्ट उसका डेड बॉडी मिला। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो प्रेम करती थी इकबाल से, इसलिए गए, फिर आखिर उसको मार क्यों दिया गया? अब ये चीज़ तो हम नहीं कह पाएंगे मार क्यों दिया, उसको प्रेम करती थी कि नहीं करता था वो तो पता नहीं, मगर एक चीज़ पता था कि उसको जैसे जादू टोना होता है, कुछ होता है, वो काम करके उसको लेके नाबालिग लड़की थी जी। ये बात उस... ये भी आ रहा है कि वो लड़का पहले से भी शादीशुदा था, पहले से शादीशुदा था जी। उसका एक लड़की भी है जी, और उसको मारने का हाथ जो है उसका घर से पूरा परिवार है, उसकी खाला भी है, सब मिलके उसको मारा है। मारने के बाद उसको गायब करने का चक्कर में था, जब उसके यहाँ की गांव वाला जो देखा गया घर पे, तो उसको जाने नहीं दे रहा था, किस लिए आए हो? उन लोग जो बोला जो तुमने ऐसा कांड किए हो, जो मर्डर किए हो, हम लोग को मालूम पड़ा। जब उसको मालूम पड़ा सबको, जब 10-15 आदमी जाने लगा तो वो लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके निकल गए। क्या जिस लड़के के साथ ये बच्ची थी 2 मंथ से, क्या उनका घर कहाँ है और उसका क्या नाम है बता? उसका नाम है इकबाल, उसका घर है कमरगंज कुमरवा, थाना 22 पड़ता है। अभी आप क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग करते हैं, जो उन लोग 5-6 आदमी जो मिल के उसको मारा है, उसको सजा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा कि वो आपकी एक लौती बहन था हमारा। कितना भाई साहब लोग? हम लोग 6 भाई से हैं। एक ही बंद था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफसर। कैसे मामला हुआ था आपकी बच्ची को जो फांसी लगा के मार दिया गया बालूगंज गांव में, क्या कुछ मामला हुआ बताइएगा बाबू? मोर छुआक तो नहीं गेल तो हामी तो जानने जो कहा नहीं गई है कि नहीं, अभी तक नहीं गई है, नहीं जुआरा अभी कह दी नहीं कि चोरी करे तो नहीं गेल, नहीं मोर बेटी को मारे जगह बारे मोर गोतिया बोल लगा दिया जे तोरे बेटी। आपकी बेटी कितने दिन से गायब थी घर से? कितना महीना पहले लड़का महीना चोरी कर दिए हमारे बेटी बाबू हमार केने रहा कछ से बाबू कौन मारा था मालूम है? कौन मारा था? अकबर कौन था? इकबाल कौन था? इकबाल कौन था? बाबू।